मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में विभिन्न योजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपए जारी किए हैं। डिजिटल माध्यम से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि समय पर योजना के साथ प्रस्ताव रखने के कारण राज्य को केंद्र से यह धनराशि मिली है। उन्होंने कहा कि इसमें से 375 करोड़ रुपए 1 अप्रैल को ही मिल गए थे। उन्होंने बताया कि इसमें नमामि गंगे परियोजना के तहत सफाई व्यवस्था के लिए 58 करोड़ रुपए जबकि कुंभ मेले के लिए 100 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी व्यक्त किया। हरिद्वार में महाकुंभ के 1 अप्रैल को औपचारिक शुरुआत होने के एक दिन बाद शुक्रवार को देहरादून में प्रसिद्ध झंडा मेला शुरू होगा। हालांकि कोविड के साए में हो रहे झंडा मेले में इस बार रौनक देखने को नहीं मिलेगी। परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड की निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने विधानसभा कार्यालय में पेयजल विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। पेयजल से संबंधित विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया और गर्मी के मौसम से पेयजल की किल्लत न हो ये सुनिश्चित किया जाए। डीडीहाट नगर पालिका अध्यक्ष कमला चौपाल जल्द ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चलाने जा रही हैं, जिसमें साफ सफाई, महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को प्रशिक्षण देकर जागरूक करना है। कमला चौपाल ने K24 न्यूज को बताया कि वो आने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। पिथौरागढ़ की कुशल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिलने पर जिला पंचायत अध्यक्ष के निवास स्थान एचौली और जिला पंचायत कार्यालय में बधाई देने के लिए पिथौरागढ़ क्षेत्र की जनता एवं शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ है। वहीं दीपिका बोहरा ने सभी प्रशंसकों का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया है। उत्तराखंड में मानसून के दौरान प्रदेश में एक हेलीकॉप्टर पिथौरागढ़ और एक हेलीकॉप्टर गौचर में तैनात रहेगा। इसका इस्तेमाल आपदा के दौरान खोज और बचाव के लिए किया जाएगा। हेलीकॉप्टर 15 मई से लेकर 30 सितंबर तक तैनात रहेंगे। पिथौरागढ़ में बेरोजगारों ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा तिथि बदलने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा को ज्ञापन देते हुए बताया कि लोक सेवा आयोग ने 21 मार्च को प्रवक्ता परीक्षा आयोजित की, अब सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 25 अप्रैल को प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा आयोग को 1 माह पूर्व TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया है। कैबिनेट के फैसले के बाद कला वर्ग के छात्र छात्राओं को 1 माह पूर्व ही आवेदन का मौका मिला है। इन दोनों परीक्षाओं का पाठ्यक्रम अलग है, इसलिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए बेरोजगारों को एक और मौका देना चाहिए। रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में मरीजों से अवैध रूप से की जा रही पैसों की मांग की शिकायतों के बाद DM रुद्रप्रयाग मनोज गोयल ने जिला अस्पताल की अनियमितताओं की जाँच बैठा दी है। DM ने इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति का गठन कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी अनधिकृत रूप से धनराशि की मांग करने सहित प्राइवेट मेडिकल स्टोर से मरीजों को दवाइयां और उपकरण इत्यादि सामग्री क्रय करवाना, मरीजों को अनावश्यक रूप से उच्च सेंटर संदर्भित किए जाने आदि की शिकायतें सम्मिलित हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तूता घाटी में कटिंग कार्य पूरा होने के बाद शुक्रवार से यातायात शुरू हो जाएगा। 15 मार्च से प्रशासन ने तूता घाटी में निर्माण कार्य के चलते वाहनों का संचालन बंद किया था। एक साल से तूता घाटी में सड़क कटिंग का काम जारी था, जो अब पूरा हो गया है। अब आज से यहां पर छोटे और भारी वाहनों का संचालन शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज के फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें।